दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एयरफोर्स के ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई का सिलेबस क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने अपना रिक्रूटमेंट 2018 की डेट निकाल दी है, तो जिन जिन लोगों ने इसके लिए अप्लाई कर लिया है, अब उन्हें जो है प्रॉपर प्रिपरेशन की ज़रूरत है। उससे पहले जो है, ये एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट है जहाँ से आप ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस या मॉडल क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि पेपर में जाने से पहले, प्रिपरेशन से पहले, आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली पेपर का सिलेबस क्या है, आपने क्या तैयार करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए, ग्रुप एक्स का पेपर है। ग्रुप एक्स में इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ये तीन पेपर है जो कि आपने, जिनका के पेपर देना है आपने। उसी तरह से ग्रुप वाई में इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। ग्रुप वाई में फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं होता, इसमें रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस होता है। अब आप इंग्लिश का पेपर देखें कि ग्रुप एक्स में इंग्लिश का पेपर का जो सिलेबस है वो क्या है। ये देखिए, ये जो इंग्लिश का पेपर है वो ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों के लिए कॉमन होता है। उसमें क्या होता है, पहले आते हैं कॉम्प्रिहेंशंस, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक स्टोरी की टाइप का होगा, और उसके बाद से आपने क्या, वो चेक करते हैं कि आप कितना अच्छी तरह से किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत आराम से उस पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ें, और उस, क्योंकि उसके बाद जो जो क्वेश्चंस होंगे वो उस पैसेज से रिलेटेड होंगे, तो उसको जो है कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में जो है ये बहुत सिंपल होता है, अगर आदमी एक एक चीज़ को आराम से पढ़े, जिससे कि उसका प्रॉपर उसको मीनिंग पता चल जाए कि उस पर्टिकुलर पैसेज का, उस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग क्या है, जिससे कि वो क्वेश्चंस का आराम से जवाब दे सके। फिर होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन में जो है वर्ब, पैटर्न ऑफ वर्ड, वर्ब सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, मतलब आपका जो है इंग्लिश नॉलेज का जो बेसिक टेस्ट होता है, जिसके थ्रू आपको देखना होता है कि, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस करना है, इसे कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, नेगेटिव को एफर्मेटिव, एफर्मेटिव को नेगेटिव, सिंपल, सिंपल को कॉम्प्लेक्स, देन टेंसेज के सीक्वेंसेस। तो ये दूसरा पार्ट है, ये दोनों ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं। फिर जो थर्ड होता है, थर्ड पार्ट, वो होता है ग्रामर का, जिसमें आप चेक करते हैं स्पेलिंग एरर्स। क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको स्पेलिंग्स देखी जाएगी कि भाई स्पेलिंग्स ठीक है कि नहीं है, वर्ड फॉर्मेशन का होगा, आपको कुछ एंटोनियम सिनोनियम्स के क्वेश्चंस होंगे, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक पर्टिकुलर सेंटेंस होगा उसके लिए आपको एक वन वर्ड बताना पड़ेगा, आर्टिकल्स हो गया, प्रीपोजिशन के करेक्ट यूजेस क्या हो गए। ये देखिए आप, ये सिंपल सिंपल ये सिलेबस है, करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव, करेक्ट ऑफ कंजंक्शन, करेक्ट यूजेस ऑफ नंबर्स, सिंगुलर, प्लूरल, कहीं सिंगुलर कहाँ पे, वो सारा का सारा ग्रामर चेक करेंगे। आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे जिसके थ्रू आपको जो है वो चेक करेंगे आपका ग्रामर कैसे। फिर फोर्थ पार्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस का हो गया, ठीक है। उसके बाद से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये पूरा का पूरा जो सिक्स पार्ट है ये सिलेबस का पार्ट है। अब आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे ये देखिए, बिसाइड्स हिज पेरेंट्स ही, अब यहाँ पे लिखा है वॉज वेयर ऑल्सो प्रेजेंट इन द फंक्शन, एट द फंक्शन, ही है उसके साथ लगेगा वॉज, जैसे इसमें आंसर भी दे रखा आपको। तो मतलब ये जस्ट सैम्पल क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई आप वर्ब करेक्ट यूज़ कर पाते नहीं, कि एक सिंगुलर बंदा है उसके साथ वॉज लगेगा कि वेयर लगेगा, तो यहाँ पे जैसे वॉज है। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन, अब जैसे देखिए इसमें द थंडर वॉज अकम्पेंड, अब यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं फ्रॉम, बाई, अप, थ्रू, सो द थंडर वॉज अकम्पेंड बाई अ हैवी रेन। उस तरह से मिस स्पेल्ट वर्ड, जैसे इसमें से ये चेक करना है कि आपका कौन सी स्पेलिंग जो है गलत है, जैसे डिसपैरिटी, इल्यूजन, तो इसमें आपको स्पेलिंग चेक करना है, जैसे जैसे आपको सिलेबस में देखा सेम वैसी है। फिर फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल, यहाँ से देखिए द थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, एन थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ना ए होगा ना एन होगा, द होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
अ वेल एक्सपीरियंस पर्सन, इनका एक वर्ड क्या होता है, वेटरन, एन एक्सीडेंट विच रिजल्ट्स इन डेथ, दैट इज़ अ फैटल। सो जो जो ऊपर आपके जो सिलेबस में दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है उसी के अंदर अंदर जो है आपके सारे के सारे क्वेश्चन पूछेंगे। ये देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस, ही हैज़ परचेज्ड अ बैग ऑफ, फ्लोर, फ्लोर नहीं हो सकता, फर्श, फ्लावर, फ्लावर भी नहीं हो सकता, ये स्पेलिंग फ्लावर, फ्लोर, दिस इज़ द करेक्ट। तो इस तरीके से जो है ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स, गिव द प्लूरल ऑफ गिवन वर्ड, हीरो का हीरोज हो जाएगा, एडजेक्टिव गोल्ड का गोल्डन हो जाएगा। तो स्पेलिंग मिस्टेक, वर्ब, टेंसेज, एडजेक्टिव, आपको कॉम्प्रिहेंशन, ये सारा का सारा जो है ये आपकी इंग्लिश के पेपर में आता है। ये है आपका ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई, दोनों में इंग्लिश का पेपर कॉमन होता है। फिर दूसरा, अगर आप ग्रुप वाई में देखते हैं तो जो दूसरा पेपर है वो है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का। अब रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस सबके लिए कॉमन होता है, जैसे न्यूमेरिकल सीरीज होगी 1, 2, 4, 6, वो कहते हैं कि नेक्स्ट वाला क्या होगा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको डायग्रामेटिकली बताया होता है कि यहाँ से इतनी डिस्टेंस, यहाँ से इतनी डिस्टेंस है तो क्या होगा। डायरेक्शन में बताया होता है कि अगर कोई बंदा ए से बी लेफ्ट में जाता है फिर राइट में जाता है, तो आपने क्या करना होता है, उसको डायग्राम को बनाना होता है, तो कॉपी में बना के फिर प्रॉपर तरीके से लेफ्ट राइट का पूरा होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट होता है, फिर इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइन, ह्यूमन रिलेशन होता है, कोडिंग एंड डी कोडिंग का होता है। ह्यूमन रिलेशन जैसे आप जानते हैं कि भाई रिलेशनशिप आपने उसमें कन्फिगर करनी होती है कि किसी के बाप के बेटे का, इस तरह से कुछ बनाते हैं। ऑड मैन आउट होता है कि कुछ लिखा होगा उसमें से आपको ये देखना है कि कौन से एक ग्रुप बनाते हैं कौन से नहीं। कोडिंग डी कोडिंग के होते हैं, इसके लिए आपके पास बहुत अच्छी बुक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, आर डी शर्मा की बुक आती है इसमें, वो आप यूज़ कर सकते हैं। डिक्शनरी वर्ड्स हो गया, एनालॉजी हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग, नंबर कोडिंग, फिर इसमें मैथमेटिक्स के छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम डिस्टेंस, ये सारा का सारा जो है आपका इसका सिलेबस है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, अगर किसी को ये सिलेबस चाहिए होगा मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जो है इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ये है मॉडल क्वेश्चन, और भी इससे रिलेटेड आपको कोई मॉडल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए और मैं आपको सारे मॉडल क्वेश्चन जो भी है वो दे सकता हूँ। अब ये देखिए सिंपल, बेरी बेरी डिजीज इज कॉज्ड, ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। इस बार जो पेपर है वो ऑनलाइन होना है, इसलिए आपको बड़े ध्यान से, क्योंकि बड़े ध्यान से जो है फॉर्म भरना है और पेपर भी बड़े ध्यान से करना है। भारत का राष्ट्रपति कौन है, ये रीजनिंग में सारे जो ऊपर सिलेबस दिया गया उसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस होते हैं। भूकंप की तीव्रता निम्न में से किसके द्वारा नापी जाती है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये सारा का सारा जो है आपने एक बार ये प्रैक्टिस कर लेनी है, एक बार अपनी तैयारी करने के बाद एक बार ज़रूर चेक करना है कि आप इन मॉडल क्वेश्चन पेपर में किस तरह का जो है परफॉर्म करते हो। रीजनिंग में हर तरह क्वेश्चन आते हैं, ये देखिए ये सारे के सारे जो है क्वेश्चंस हैं, इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, नंबर्स, ये सारे के सारे रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई, अभी मैंने आपको बताया जो ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई में इंग्लिश तो कॉमन है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस जो है वो ग्रुप वाई में आती है। ग्रुप एक्स में फिर फिजिक्स और मैथमेटिक्स हैं, ये बेसिकली जो ट्रेड वाले लोगों के लिए, उनको फिजिक्स और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आपको कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप इसमें बताइए, मैं और आगे भी इंडियन एयरफोर्स से काफ़ी वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि पेपर कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।